मानस पर मौर्य के ऐतराज का साइड इफेक्ट है, जिसके सूत्रधार हैं बीएसपी से वाया बीजेपी समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार हुए स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्हें रामचरितमानस बकवास लगती है। तुलसीकृत रामचरितमानस में इस बात का जिक्र आया है, जहां पर जातियों को इंगित करते हुए अपमानित करने की बात की गई है कि जे वड़ाधम तेली कुम्हारा सुपच किरात कोलकलवारा। तो अगर ये भी हिंदू समाज की जातियां हैं तो कैसा यो हिंदू धर्म है जो अपने ही समाज के लोगों को गाली दे। स्वामी प्रसाद मौर्य आगे कहते हैं, उन्हें रामचरितमानस के कुछ हिस्सों पर ऑब्जेक्शन है। अगर सरकार तुलसीदास की रामचरितमानस को प्रतिबंधित नहीं कर सकती तो कुछ श्लोकों को निकाल देना चाहिए। रामचरितमानस को बैन करने की मांग तो हमने नहीं किया, लेकिन हाँ, वो तथ्य जो जाति और वर्ग विशेष का नाम लेकर के अपमानजनक टिप्पणियों से नवाजा गया है, उस पर प्रतिबंध जरूर लगना चाहिए। यूपी वाले स्वामी बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव की राह पर क्या गए, भूचाल आ गया। सनातन के धर्म गुरुओं को, सनातन परंपरा में साधना कर रहे लोगों को गाली देना एक फैशन सा हो गया है। कोई मुस्लिम धर्म के प्रमुख को कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वहां तो शर्त से तन जुदा हो जाएगा। सत्ता से बाहर है, सत्ता से बाहर रह के चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह के फिजूल बयान दिए जा रहे हैं। विरोधी ही नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से उनके अपने भी नाराज हो गए। मौर्य के बयान से अखिलेश यादव भी नाराज हैं, तो दूसरी तरफ संत समाज ने मौर्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है कि रामचरितमानस पे अवांछित टिप्पणी करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य पर एफआईआर दर्ज करके प्रदेश में अशांति और दंगा भड़काने के आरोपों में इसे जेल भेजा जाना चाहिए। मौर्य के बयान को लेकर प्रयागराज के बाघ मेले में मौजूद संतों में जबरदस्त नाराजगी है। माघ मेले में आए अयोध्या की तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु आचार्य परमहंस दास ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर नाराजगी जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संतों के खून से खत लिखा है और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की मांग की है।